नमस्कार शख्स। नमस्कार। मेरा नाम है सुमन। और मेरा नाम है विनोद कुलहरी। एंड टुगेदर वी आर द फाउंडर्स ऑफ स्वदेशी। मिठाई एक ऐसा शब्द है जो सुन के हर इंडियन के मुंह में पानी आ जाता है। हमारा हर इमोशन, हमारा त्योहार, हमारा सेलिब्रेशन, फंक्शंस सब मीठे से जुड़े हुए हैं। अब इमेजिन कीजिए, आप मुंबई में बैठे हैं अपने फ्लैट पे और सुबह सुबह आपका मन किया कि मैं जयपुर की घेवर खा लूं, मलाई घेवर, वहाँ का प्याज कचौड़ी, या कोलकाता का सौंदेश, वहाँ का रसगुल्ला, मथुरा का पेड़ा, आगरा का पेठा। ये सब आपका खाने का मन है, मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन आप नहीं खा सकते, तो क्या करेंगे आप? सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आप स्वदेशी से कनेक्ट करें। स्वदेशी आपको अगले 24 घंटे में आपके फेवरेट शहर की वो मिठाई आपके डोरस्टेप पे फ्रेश डिलीवर करेगा। सो शार्क्स, वेलकम टू स्वदेशी, इंडिया की देसी मिठास। क्या ये शार्क टैंक का सेट है? Yes, yes. भाई। अमन सर आप ही हो? हाँ। सर आपके लिए दिल्ली से पार्सल आया है स्वदेशी की तरफ से। अरे वाह। अश्नीर सर आपका पार्सल है कोलकाता की। नमिता मैम आपका पार्सल है कोलकाता से। पीयूष मुझे वो चाहिए। अनुपम सर आपका जयपुर से है। पीयूष सर आपका भी जयपुर से। चलो जयपुर। थैंक यू। वाह। पीयूष आपके पास है जयपुर का फेमस मलाई घेवर, एकदम फ्रेश। वाह। अनुपम आपके पास है फेमस प्याज कचौरी जयपुर से। थैंक यू, थैंक यू। नमिता मैम यू हैव कोलकाता के नॉलेन गुरेर जौलभरा संदेश। ओह यस, नाइस। अश्नीर आपके पास है कोलकाता के बेक्ड रसगुल्ला। एंड अमन आपके पास है डोडा बर्फी, आई थिंक वन ऑफ योर फेवरेट। प्लीज हैव अ टेस्ट। Thank you. Chaks, traditional sweets and snacks का जो market है, it's a $25 billion+ market. और इसमें ज़्यादातर जो है unorganized regional players का domination है. I'll give you a little kachori if you give me a little sandesh. I'm not giving you it. Sorry. I'll trade. I'm sorry, I'm not sharing. So Swedish इन्हीं सभी regional products को regional players को अपने platform पे लेके आ रहा है, so that लोगों को उनका एक ग्लोबल एक्सेस मिल सके। आपको ना 10 मिनट का पॉज लेना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता ये लोग अभी इंटरेस्टेड। श्योर, टेक इट ऑल इन टाइम। अभी रुक जाते हैं, अभी रुक जाते हैं। पिकनिक चल रहा है या? अभी ना सब लोग मांग मांग रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बांट आते हैं। आउटस्टैंडिंग। मिठाई की जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो उसकी फ्रेशनेस होती है और उसका टेस्ट। स्वदेशी का जो सप्लाई चेन मॉडल है, इसके थ्रू हम ये सारे प्रोडक्ट्स 24 घंटे से कम समय में आपके दरवाजे तक पहुंचाते हैं। दोपहर के 12 बजे की बनी हुई प्याज कचौरी हमारे कस्टमर्स पुणे में रात को 9 बजे डिनर में एंजॉय करते हैं। शख्स हमारा आस्क है 40 लाख फॉर 3%। देखो विनोद एंड डॉक्टर सुमन, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। इतना यूनिक आइडिया और रियल प्रॉब्लम शार्क टैंक पे कभी कभी आता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच पीयूष। इसमें एक डिलाइट फैक्टर है और ये आसान भी नहीं लग रहा है। सबने जैसे ही आपने कहा सुबह का खा लो सॉरी डिलाइट, ये डिलाइट फैक्टर है। देखिए भूखा रखते हैं यहाँ पर, इसीलिए इसे एडिट ना किया जाए। तो क्या आपका क्या बैकग्राउंड है, ये कैसे संभव किया आपने? सो पीएचडी खत्म किया, शादी की और मैं पुणे आ गई। ये 20 साल से पहले से पुणे में थे एंड यहाँ आई तो मैं राजस्थानी हूँ। तो इनकी तरफ देख रहे हो, मतलब शादीशुदा? और यस एब्सोल्युटली वी आर मैरिड। मेरे को आपने बताया नहीं, तो हम कैसे? सॉरी, अरे हमने कलर कोऑर्डिनेटेड है यार। ये कलर किसने चूज किया था? मैंने। हाँ ऑब्वियसली, मैं खाली ये चेक कर रहा था ये हमारे साथ ही होता है या सेम पैटर्न चल रहा है वर्ल्ड में सबके साथ। तो शादी करके मैं पुणे आई एंड मैं राजस्थानी जयपुर से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे घेवर भी चाहिए किसी त्योहार पे, मुझे मोतीचूर के लड्डू स्पेसिफिक सोडानी के चाहिए। तो धीरे धीरे मेरे जैसे फ्रेंड्स और भी हैं और पुणे में बहुत हैं ऐसे लोग जो अपनी सिटी छोड़ के अपनी जगह छोड़ के आए हैं। एंड आई लाइक द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट अलग था। मैंने विनोद को बोला कि अगर मुझे कोई पहुंचा दे मेरी चीज मेरे त्योहार के दिन, तो जो चेहरे पे हैप्पीनेस होती है और उससे वो पूरा त्योहार आपका मतलब परफेक्ट हो जाता है। और ये इंस्पिरेशन था हमारा। पर आप डॉक्टर हैं? आई एम पीएचडी इन इंग्लिश, आई वर्क एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट जयपुर। तो एंटरप्रेन्योरशिप कैसे आपके दिमाग में? एंटरप्रेन्योरशिप में एक सेटिस्फेक्शन है,
अब वो जॉब में वो बात नहीं है कि आपने एक ड्रीम देखा और आपको पता है कि वो सबसे अच्छे से कैसे हो सकता है। मेरे कस्टमर के पास कौन सी चीज कैसे पहुंचे, कैसे पैकेज में पहुंचे, उसका कोई त्योहार है तो आई मेक इट श्योर कि उसके साथ एक छोटा सा गिफ्ट और जाए, वो उसका रैपिंग थोड़ा कल्चरल हो। और मेरे कस्टमर्स मुझसे जुड़े हुए हैं, हमने 3 साल में कभी भी कस्टमर केयर को नंबर नहीं दिया, आई डायरेक्टली कनेक्ट, मैं उनसे डायरेक्टली बात करती हूँ। पीएचडी साइड में है लेकिन जो मुझे फोन करती है, सुमन तुमने यार सुबह की कचौड़ी पहुंचा दी, अरे यार सब खा के पागल हो रखे, मैंने उनको देखा भी नहीं है कभी, बट दे आर रियली कनेक्टेड और उसी से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। आई लव इट, ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप यही होता है। सारे वेंडर से डायरेक्ट कनेक्शन मेरा है। ओह वाओ, यस, एक लड्डू हिल भी गया ट्रे में, मजाल हो, हमारे पूरे कार्टन में एक मिठाई इधर उधर नहीं हो सकती। वो मेरे को पता चल गया, आपने जिस तरह से देखा ना, जब आपने कहा एक लड्डू भी हिल गया, लड्डू भी हिल गया। कस्टमर, कस्टमर की बात करिए ना, कस्टमर डिलाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। किक आती है ना, कस्टमर बोलता है कि बॉस आपने मजा आया इस चीज का, वो किसी और चीज में नहीं आती। तो ऑफर दे देते हैं आपको, बस क्या सुनना है बाकी, चलो डन, आओ हो जाए। तो आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना था, मेरे को ये बताएं। 700 से 750 रुपीज अश्नीर, ब्रैकेट है लाइक 500 से कम का ऑर्डर वैल्यू है तो उसके ऊपर 60 रुपीज डिलीवरी विद इन सिटी, और 500 से 1000 के बीच में इट इज 40 रुपीज एंड अबव 1000 इट इज 0। और कोई नहीं कर रहा है ये? कर रहे हैं। ऐसे मॉडल ऑनलाइन एग्रीगेटर के काफी हैं पीयूष, बट जो हमारा वाला है 24 आवर वाला, नोबडी एल्स इज डूइंग। आपका रिपीट रेट कितना है? ऑलमोस्ट 85% कस्टमर्स रिपीट ऑर्डर कर रहे हैं। तो अभी आप कितने ऑर्डर करते हैं दिन के? 30 ऑर्डर के आसपास में डेली का हो रहा है अश्नीर। 30 ऑर्डर से खुशी होती है? मतलब 30 बिल्कुल कम नंबर, बिल्कुल विजिबिलिटी। अभी तक जो एक प्रॉब्लम हमने फेस किया शार्क, और जिसकी वजह से हम यहाँ पर है, मार्केटिंग हमारा अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया। तो फिर ये तो वायरल हो जानी चाहिए थी ना चीज। जी वायरल वर्ड ऑफ माउथ से हो रही है पीयूष, एंड पुणे में बहुत बिजनेस हो सकता है। मैं तो पुणे से हूँ, मैंने नहीं सुनी है, और मैं तो आई एम लाइक अ डेजर्ट फ्रीक। दैट्स वन ऑफ द थिंग मैम, कि हमारा जो मार्केटिंग वाला पॉइंट है, वी आर रियली वीक ऑन दैट। अभी आपका जो प्रोपोजिशन है वो है दीज लोकल वेंडर्स, राइट? यस। जैसे आप स्केल करेंगे जी, वो लेवल से लोकल वेंडर्स तो स्केल नहीं करने वाला है। जो प्रोडक्ट्स हैं इन सभी वेंडर्स के, वो मैम एनी टाइम उनके पास में बेहद मात्रा में तैयार रहते हैं। हमने हर एक वेंडर के क्यूरेटेड प्रोडक्ट्स लिए जो इसके लिए वो जाना जाता है, नॉट दी एवरी प्रोडक्ट। बट इनके क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन है, जैसे क्या होता है ना स्टॉक, अब इसमें क्या होता है कि आपने डाला आज, कि मैंने अगर मैंने आज ऑर्डर डाला, तो रियल टाइम इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं। यस, वो रियल टाइम तो हो नहीं सकता उनका, ये आपको प्रॉब्लम फेस हुई है? फिलहाल तो नहीं हुई है, बिकॉज ऑफ द स्केल, बिकॉज उन्होंने बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स लिए ना जो स्पेशलिटी। आपको एक दिन में 200 ऑर्डर आ जाए एक चीज के, तो मैं कंफर्म करके कह सकता हूँ जो आपने प्रॉमिस जो किया है ना एक दिन में देने का, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो आप नहीं दे पाओगे अगर 200 ऑर्डर एक टाइम पे आ गए। ये स्केलिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपका, तो वो स्केल अप इशू की वजह से मैं आउट हूं, बट ये मैं आपसे ऑर्डर जरूर करूंगा। ऑल द बेस्ट। इसका मैं जवाब देना चाहूंगा आपको, आई मीन स्केल अप की जहां बात आती है उसमें एक फूड टेक्नोलॉजीज है कई, जैसे मैप टेक्नोलॉजी, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आपको सप्लाई कर रहा है, जो वहाँ पे लाला जी बैठ के मिठाई बना रहे हैं ना, मैं मिठाई वाले की प्रॉब्लम बता रहा हूँ। जी बिल्कुल, पर आप सब सॉल्व कर दोगे, बड़ा मिठाई वाले का माइंडसेट नहीं चेंज करने के इशू। इस वजह से मैं भी आउट हूँ, लेकिन आई अश्योर यू कि एमक्यू और मैं पर्सनली आपके बड़े कस्टमर्स बनेंगे। तो चलिए मैं आपको अपना डिसीजन बताता हूँ जी। इसमें प्रॉब्लम मेरे को फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज की लग रही है, कि मैं ठीक है यार महीने में या साल में दिवाली आ गई, कोई त्योहार आ गया, घर में कोई ओकेजन आ गई तो कर लूंगा, ये हर महीने हर हफ्ते होने वाला चीज नहीं है। तो इसमें मैं हाई एक्विजिशन कॉस्ट अफोर्ड ही नहीं कर सकता, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज होएगी नहीं, तो इस कारण से मेरे को नहीं लगता इसमें कोई प्रॉफिटेबिलिटी का स्कोप है, मैं इससे बाहर। थैंक यू। आउट ऑफ 100 में से आपका कितना बिजनेस है पुणे में? हमारा 80% बिजनेस पुणे में। मुझे वही लग रहा था, इसलिए आपको प्रॉब्लम ज्यादा दिख नहीं रही है। मार्केट मुझे बहुत बड़ा नहीं लग रहा है, ये स्पेशलिटी मार्केट है, बहुत लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, कोई अच्छा काम कर रहा है कोई बुरा काम कर रहा है। आप कहते हो आप थोड़ा उससे ज्यादा अच्छा करोगे, मान लेते हैं बहुत भी अच्छा करोगे, फिर भी मार्केट इसका एक्सप्लोर नहीं होगा। आप दोनों को देख के आपका संतुलन, आपका जुनून, ये सब बहुत अच्छा लगा, लेकिन इन्वेस्टेबल मेरे नजरिए से अभी तक है नहीं, इसलिए मैं आज आउट हूँ, आपको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ। आपने अभी तक कोई टीम मेंबर क्यों नहीं ऐड किया टेक्नोलॉजी में, को-फाउंडर? हमें टेक को-फाउंडर डेफिनेटली चाहिए, और हमें एक मार्केटिंग
के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑलरेडी हैं। मैं तो नहीं हूँ। लाला जी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? हलवाई की? अरे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सबको बिजनेस चाहिए। नहीं वो है। नहीं नहीं वो मैं सॉल्व कर दूंगी। चिड़ावा की एक जगह है, वहाँ का लालचंद का पेड़ा है, वो बाहर भी जाता है कंट्रीज से, एंड दे आर ह्यूज। नॉर्मल से हलवाई हैं, मैं इन लोगों से रेगुलर मिलती हूँ, सोडानी से रेगुलर मिलती हूँ, यही मेरा काम है। एंड आई कीप इन टच कि ये बहुत बढ़ेगा, ये बहुत होगा, आप लोग कर लेंगे ना। तो कहते हैं कि आप बोलिए, हमें भी बिजनेस चाहिए, हमें भी ग्रो करना है, आप जितना बोलेंगे हम करेंगे। बट कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। चलो हमारे हमारे डिसीजन मेकिंग करते हैं। पीयूष हम तो आउट है वैसे। मैं बिल्कुल फेंस पे हूँ, बिल्कुल ये कॉपी कर सकता है कोई। वो जब तक कॉपी करेगा ना, 100-200 डब्बे बड़ी बड़ी कंपनीज कुरियर सर्विसेज के थ्रू आए और टूटे फूटे आए, और जब मेरे परफेक्ट, मतलब मेरा वही तो, हमने वही किया है, हमने बहुत डब्बे ऑर्डर किए हैं, हमने 100 बार ऑर्डर किया है, हम महीनों तक एक एक डिश को बार बुला रहे हैं। मैं उनको जाके बता रही हूँ आप ट्रे में डाल, ये डेलिकेसी से, ये डेलिकेसीज को जो हैंडलिंग है वही है, वही नजर, आप वही नजर से बोलिए, किसकी मजाल है कॉपी कर लेगा लड्डू यहाँ से वहाँ नहीं करेगा, तब तक हम आगे बढ़ जाएंगे। आई लव दैट स्टेटमेंट। पीयूष फाइनल डिसीजन। मैं भी आज बाहर हूँ, थोड़ा सा और स्केल करिए इसको। थैंक यू गाइस, नमस्कार, थैंक्स फॉर द लवली फूड, लव योर स्पिरिट, थैंक यू सुमन, वेल डन, थैंक यू, थैंक यू। We'll be right back.